भोपाल से खबर, जाओ कांग्रेस विधायक की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व मंत्रियों के बीच संपर्क में रहे कांग्रेस विधायक, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। जाओ कांग्रेस के विधायक का कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व मंत्रियों के भी संपर्क में ये कांग्रेस विधायक रहे हैं, तो यह इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां विधायक कोरोना संक्रमित हुए हैं। आकांक्षा हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े। आकांक्षा, विधायक भी अब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए श्रवण, कांग्रेस के विधायक हैं ये, युवा विधायक हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनकी पहली रिपोर्ट, इनका जो सैंपल है वो 10 तारीख को लिया गया था, जिसके बाद इनकी कल देर रात रिपोर्ट आई और पता चला कि ये जो विधायक है ये कोरोना पॉजिटिव है। देखिए, ये युवा विधायक जो है इतने बहुत सारे पूर्व मंत्रियों के भी संपर्क में लगातार रहे हैं। इसी के साथ ही इनकी जो आवाजाही है वो भी लगातार जनता के बीच में बनी हुई है। इसी के साथ ये हमेशा लोगों के साथ जो है इनकी आवाजाही बनी रही है, तो इनकी जो हिस्ट्री है वो निकाली जा रही है। हालांकि इनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और दूसरा टेस्ट इन्होंने अभी कराया है, लेकिन देखिए जब राजनेता इस तरीके से कोरोना की चपेट में आते हैं तो बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि राजनेता जनता के बीच में रहते हैं। ऐसे में अगर राजनेता या विधायक पॉजिटिव आएंगे तो उससे जनता को कहीं ना कहीं खतरा जरूर है, और ऐसे में सभी को हिदायत दी जाती है कि आप सभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ये बात जो है नेताओं पर भी लागू होती है। देखिए, ये केवल विधायक के पॉजिटिव आने की बात नहीं है, राजधानी में इसी के साथ बहुत सारे नए मामले भी आए हैं जिसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 4 साल 8 साल के बच्चे भी हैं। देखिए, हम लगातार ये बात बता रहे हैं कि भोपाल के कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे वो जहांगीराबाद हो, ऐशबाग हो या शाहजहानाबाद हो, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, और ये इलाका भोपाल का वुहान बन गया है। जैसे चीन में वुहान था, ऐसे ही इसे भोपाल का वुहान कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर अब बच्चे और आम जनता के साथ राजनेता भी पॉजिटिव पाए जाएंगे भोपाल में रहने वाले, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति राजधानी भोपाल की धीरे धीरे बनती जा रही है। जी, निश्चित रूप से आकांक्षा, समझा जा सकता है कि कितनी गंभीर स्थिति यहाँ पर बनते जा रही है, और इसलिए लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।